नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम बीएससी सेकंड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के यूनिट थर्ड में जो पीसीस वर्ग है सब सुपर क्लास है पीसीस, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीसीस। क्लासिफिकेशन ऑफ पीसीज में जो सुपर क्लास है पीसीज, इसे चार क्लासों में बांटा गया है। एक है इलास्मोब्रेंकाई, दूसरा है होलोसिफेली, तीसरा है डिप्नोई और चौथा है टीलियोस्टोमी। ठीक है, तो इलास्मोब्रेंकी, होलोसिफेली, डिप्नोई और टीलोस्टोमी, ये चार प्रकार के चार क्लासेस हैं जो पीसीस वर्ग सुपर क्लास को पीसीस को चार क्लासेस में बांटा गया है। इन चारों क्लासों को एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनका केवल क्लासिफिकेशन में केवल नाम समझ लेते हैं कि कौन सा किसमें क्या है, कौन कौन से ऑर्डर हैं और कौन कौन से सुपर क्लास, कौन सी क्लास हैं, कौन सी सब क्लास हैं और कौन सी ऑर्डर हैं, इनके नाम देख लेते हैं। एक डायग्रामेटिकली देख लेते हैं इनको। तो सबसे पहली क्लास, फर्स्ट क्लास है इलास्मोब्रेंकी। इलास्मोब्रेंकी की जो सब क्लास है सिलैची, सिलैची की इसे दो सुपर क्लास ऑर्डर में बांटा गया है, दो सुपर ऑर्डर में बांटा गया है। पहला ऑर्डर है प्लूरोट्रिमेटा और दूसरा ऑर्डर है हाइपोट्रिमेटा, प्लूरोट्रिमेटा और हाइपोट्रिमेटा। तो पहला ऑर्डर हो गया, पहला सुपर ऑर्डर हो गया प्लूरोट्रिमेटा और दूसरा सुपर ऑर्डर हो गया हाइपोट्रिमेटा। इन्हें भी ऑर्डर में बांटा गया है। प्लूरोट्रिमेटा जो सुपर ऑर्डर है इसको ऑर्डर में बांटा गया है, कौन सा ऑर्डर है, लैमनिफॉर्मिस। इसके एग्जाम्पल हैं स्कॉलियोडॉन, स्टिगोस्टोमा, जाइजीना, स्काइलियम, हैप्टेंकस। और हाइपोट्रिमेटा जो सुपर ऑर्डर है इसे और दो ऑर्डर्स में बांटा गया है, राजीफॉर्मिस और टॉर्पिडिनी फॉर्मिस। राजीफॉर्मिस के एग्जाम्पल हैं राइनोबेटस, टाइगॉन, माइलियोबेटस, प्रिस्टिस, राजा। और टॉर्पिडिनी फॉर्मिस के एग्जाम्पल हैं टॉर्पिडो फिश। इसके बाद आता है दूसरा क्लास है होलोसिफेली। होलोसिफेली जो है क्लास, इसे होलोसिफेली जो क्लास है इसे सब क्लास में बांटा गया है, एक ही सब क्लास है इसकी, किमेरी जो इसकी सब क्लास है, इसका एक ऑर्डर है किमेरी फॉर्मिस, जिसका एग्जाम्पल है किमेरा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो होलोसिफेली जो सब जो क्लास सेकंड है इसकी सब क्लास है इसकी किमेरी, और किमेरी जो सब क्लास है इसका एक ऑर्डर है किमेरी फॉर्मिस, और इसका एग्जाम्पल किमेरी फॉर्मिस का जो एग्जाम्पल है किमेरा। ठीक है, अब क्लास थर्ड आती है डिप्नोई। डिप्नोई जो क्लास है इस क्लास की सुपर ऑर्डर एक ही सुपर ऑर्डर है सेरेटोडी इसकी सुपर ऑर्डर है और इसको दो ऑर्डर्स में बांटा गया है। देखिए, पहला जो ऑर्डर है वो है सेरेटोडी फॉर्मिस, जिसके एग्जाम्पल हैं न्योसेरेटोडस और सेरेटोडस। ठीक है, दूसरा जो ऑर्डर है उसका नाम है लैपिडोसायरेनी फॉर्मिस और इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रोटोप्टेरस और लैपिडोसायरेन। इसके बाद आता है चौथी क्लास आती है, इसका नाम है टीलियोस्टोमी। टीलियोस्टोमी को सब क्लास में बांटा गया है, दो सब क्लासेस में बांटा गया है। पहली सब क्लास है क्रोसोप्टेरिजियाई के एग्जाम्पल है लैटिमेरिया और सीलेकैंथस। सीलेकैंथस और लैटिमेरिया कैसे हैं, एक्सटिंक्ट एग्जाम्पल हैं। और सेकंड जो सब क्लास सेकंड है वो है एक्टिनोप्टेरिजियाई। ठीक है, अब इसके आगे और देखते हैं। सब क्लास जो है एक्टिनोप्टेरिजियाई में ऑर्डर देखिए कितने ऑर्डर हैं, देख लेते हैं नीचे तक कितने ऑर्डर हैं। इसमें 18 ऑर्डर हैं। देखिए, पहला ऑर्डर कौन सा है, पहला ऑर्डर है पॉलिप्टेरिफॉर्मिस का एग्जाम्पल है पॉलिप्टेरस। दूसरा ऑर्डर है
ऐसी पेंसेरी फॉर्मिस जिसका एग्जाम्पल है ऐसी पेंसर और पॉलीडॉन। तीसरा ऑर्डर है एमी फॉर्मिस, इसका एमिया है एग्जाम्पल। चौथा ऑर्डर है लेपिडोस्टी फॉर्मिस, इसका है लेपिडोस्टियस। पांचवा ऑर्डर है क्लूपी फॉर्मिस, इसके एग्जाम्पल हैं क्लूपिया, साल्मो, नोटोप्टेरस, एल्सा। छठा ऑर्डर है स्कोपिफिलीफॉर्मिस, स्कोपिलीफॉर्मिस, इसका एग्जाम्पल है हार्पोडॉन। नेक्स्ट ऑर्डर है सिप्रीनी फॉर्मिस। सेवेंथ ऑर्डर जो है उसका नाम है सिप्रीनी फॉर्मिस। इसके दो डिवीजन हैं। पहला डिवीजन जो है उसका नाम है सिप्रीनी और दूसरा डिवीजन का नाम है सिल्यूरी। सिप्रीनी के जो एग्जाम्पल हैं लेवियो कटला बोटिया, निमेकिलस, सिप्रीनस, बार्बस और सिरीना। जबकि सिल्यूरी का जो सेकंड डिवीजन है सिल्यूरी का एग्जाम्पल है एरियस, हेटेरोपनियस्टस और क्लेरियस, बेलागो और मिस्टस। आठवां ऑर्डर आता है एंगुली फॉर्मिस, इसका एग्जाम्पल एंगुला और मोरेना। नवा ऑर्डर का नाम है बिलोनी फॉर्मिस। बिलोनी फॉर्मिस का बिलोन एग्जाम्पल है बिलोन, हेमी रैम्फस और एग्जोसीटस। दसवां ऑर्डर है सिनगनेथी फॉर्मिस। सिनगनेथी फॉर्मिस का एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस, फिस्टुलेरिया और सिनगनेथस। ग्यारहवां ऑर्डर है ऑफियोसिफेली फॉर्मिस, इसका एग्जाम्पल है ऑफियोसिफेलस। बारहवा ऑर्डर है सिम्ब्रांकी फॉर्मिस, इसका एग्जाम्पल है एम्फीपनस और दूसरा एग्जाम्पल है सिम्ब्रैंकस। ऑर्डर थर्टीन जो ऑर्डर है वो पर्सी फॉर्मिस है और इसके एग्जाम्पल हैं एनाबस, टेरोयस, ट्राइक्यूरस, एंडस, साइबियम और ट्राइकोज गैस्टर। फोर्टीन्थ ऑर्डर का नाम है प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस, साइनेप्टूरा, प्लूरोनेक्टस और सोलिया। इसके बाद आता है फिफ्टीन्थ ऑर्डर का नाम है मेस्टासेम्बलीफॉर्मिस और इसका एग्जाम्पल है मेस्टासेम्बलस। इसका एग्जाम्पल हो गया। सोलवा जो ऑर्डर है एकेनीफॉर्मिस का जो एग्जाम्पल है एकेनिस और रिमोरा। सत्रवा जो ऑर्डर है टेट्रोडोंटी फॉर्मिस का एग्जाम्पल है ऑस्टेशियन, टेटाडोन और डायोडोन। इसके बाद लास्ट आता है ऑर्डर, उसका नाम है लॉफी फॉर्मिस। तो अंतिम ऑर्डर का नाम है लॉफी फॉर्मिस है और इसका एग्जाम्पल है लॉफियस तथा एंटीनेरियस। ये दो एग्जाम्पल इसके हैं लॉफी फॉर्मिस के। और तो अंतिम जो एग्जाम ऑर्डर है वो क्या कहलाता है, अंतिम ऑर्डर जो है वो लॉफी फॉर्मिस का है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चार्ट जो है सभी इसे क्लासिफिकेशन का जो चार्ट है ये समाप्त होता है। अब हम एक एक करके डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे, सबके करैक्टर्स देखेंगे और सबके एग्जाम्पल सहित करैक्टर्स का हम क्या अध्ययन करेंगे। पहला आता है इलास्मोब्रैंकी का जो ये करैक्टर है क्लास फर्स्ट है इलास्मोब्रैंकी वो हम ले लेते हैं सबसे पहले। इसका जो एग्जाम्पल है शरीर पर प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं या स्किन विदाउट स्केल्स होती है, मतलब या तो स्किन के ऊपर इसके खाल के ऊपर स्किन के ऊपर या तो स्केल्स पाए नहीं जाएंगे, पाएंगे तो कैसे पाए जाएंगे, प्लेकोइड स्केल्स पाए जाएंगे। ठीक है, एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजिनस का होता है और कभी कभी ये कैल्सीफाइड भी होता है, जहाँ कैल्शियम थोड़ा अधिक मिला है इसमें। वैसे होता कौन सा है कैसा होता है ये
कार्टिलेजिनस टिश्यूज होती है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है। 5 से 7 5 to 7 गिल स्लिट्स में पाए जाते हैं, ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है, एयर ब्लैडर इसमें और लंग्स नहीं पाए जाते हैं। माउथ कैसा होता है? बेंटल होता है, अर्थात माउथ कैसा होगा ऐसा करके बेंटल होगा, नीचे की साइड बेंटल साइड पर होता है। क्लोइका पाया जाता है इसमें, क्लास पर मेल में पाया जाता है, और अधिकतर ये कैसे होते हैं एनिमल्स? मैराइन एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके ब्रांग, ये इलासमोब्रैंकियाई की जो सब क्लास है स्लेची, इसमें देखते हैं स्लेची में और जो एग्जाम वो है करैक्टरिस्टिक, पहला करैक्टरिस्टिक है पेयर्ड फिन विदाउट मीडियन एक्सिस, तो इसमें मीडियन एक्सिस नहीं पाया जाता है और इस पेयर्ड फिन पाए जाते हैं लेकिन उसमें मीडियन एक्सिस नहीं पाया जाता है। बोन ऑफ पेक्टोरल फिन कंस्ट्रिक्टेड, तो जो पेक्टोरल फिन की जो बोन्स हैं वो कंस्ट्रिक्टेड होती हैं, पास पास होती हैं। तो बेस ऑफ पेक्टोरल फिन कंस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब पेक्टोरल फिन का जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड होता है, छोटा सा होता है। मतलब ये है, ये जैसे ये फिन है तो इसका बेस बहुत कंस्ट्रिक्टेड होगा, छोटा सा होगा, ब्रॉड नहीं होगा, ठीक है। तीसरा करैक्टरिस्टिक है पेक्टोरल रेडियल्स जॉइंटेड, तो जो पेक्टोरल रेडियल्स जो है वो जॉइंटेड होते हैं, मतलब जॉइंट वाले होते हैं, ठीक है। पेक्टोरल रेडियल, ये पेक्टोरल है पी ई सी पेक्टोरल की स्पेलिंग क्या है? PECTORAL पेक्टोरल रेडियल्स कैसे होते हैं? जॉइंटेड होते हैं। वर्टिब्रल जो सेंट्रा है, वर्टिब्रे के बीच में जो सेंटर वाला भाग होता है वर्टिब्रल सेंट्रा, यूजुअली कैसा होता है? डिफ्रेंशिएटेड होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, एकदम डिफ्रेंशिएटेड होता है और मेल में क्लास पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये होगी सब क्लास स्लेची आई का करेक्टरिस्टिक्स होगा। अब इस सब क्लास में सुपर ऑर्डर फर्स्ट देखिए, सुपर ऑर्डर फर्स्ट आता है प्लूरोट्रिमेटा, सही है, प्लूरोट्रिमेटा में जो सुपर ऑर्डर है इसमें ऑर्डर आता है लैमनी फॉर्मिस, ठीक है। तो प्लूरोट्रिमेटा का वो देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स, इसमें गिल्सलेट्स ऑन लेटरल साइड, दोनों लेटरल साइड पर गिल्सलेट्स पाए जाते हैं। एंटीरियर मार्जिन ऑफ पेक्टोरल फिन्स फ्री होते हैं, मतलब इसके जो एंटीरियर पेक्टोरल फिन के एंटीरियर मार्जिन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। हायोमैंडिबुलर बियरिंग ब्रैंकियल रेस, तो हायोमैंडिबुलर बोन जो उसके ऊपर ब्रैंकियल रेस पाई जाती हैं, हायोमैंडिबुलर बोन के ऊपर ब्रैंकियल रेस पाई जाती हैं। और राइट और लेफ्ट हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्टेज, पेक्टोरल गर्टेज का जो आधा राइट वाला भाग होता है और आधा लेफ्ट वाला भाग होता है, तो ये दोनों जो भाग हैं, दोनों हाफ्स हैं किसके? पेक्टोरल गर्टेज के, वो कैसे होते हैं? डॉर्सली सेपरेटेड होते हैं, डॉर्सल साइड पर सेपरेटेड होते हैं, बेंटल साइड पर मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और डॉर्सल साइड पर सेपरेटेड होते हैं। तो जो हाफ हैं इसके, जिसके पेक्टोरल गर्टेज की जो हाफ्स हैं, आधा पेक्टोरल गर्टेज और आधा दूसरे राइट वाला, आधा पेक्टोरल गर्टेज लेफ्ट वाला, ये दोनों बेंटल साइड पर जुड़े होते हैं लेकिन डॉर्सल साइड पर अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। अब सुपर ऑर्डर फर्स्ट हो गया, सुपर ऑर्डर तो एक ही है इसका, सुपर ऑर्डर दो हैं इसके, एक तो है प्लूरोट्रिमेटा और दूसरा हाइपोट्रिमेटा, प्लूरोट्रिमेटा। तो प्लूरोट्रिमेटा के करेक्टरिस्टिक बता दी हमने, इसमें एक ऑर्डर आता है, एक ही ऑर्डर है लैमनिफॉर्मिस, इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं इसमें दो डॉर्सल फिन पाई जाती हैं और वो भी स्पाइंस नहीं पाई जाती हैं, दो डॉर्सल फिन होंगी लेकिन इनके इसके ऊपर डॉर्सल फिन के ऊपर स्पाइंस नहीं होंगे। एनल फिन पाई जाती है, एनल फिन के पास इनमें होती है। 5 गिल्स आर्चेस पाई जाती हैं, मतलब 5 गिल्स होती हैं। प्लेटोकॉर्डेट नॉट आर्टिकुलेटेड, तो प्लेटोकॉर्डेट जो होता है वो आर्टिकुलेटेड नहीं होता, जॉइंटेड नहीं होता और कभी कभी लूज आर्टिकुलेटेड होता है, रूल बहुत ही हल्का सा लूजली जॉइंट किसी से अटैच होता है, आर्टिकुलेट होता है विद द एस्कल, किसके साथ? एस्कल के साथ।
या तो ये स्कल के साथ थोड़ा बहुत लूजली आर्टिकुलेट होगा, लूजली जॉइंट जुड़ा हुआ होगा स्कल के साथ, या फिर ये किसी के भी साथ भी जुड़ा हुआ नहीं होता है। प्लेट कौन सा? प्लेटो क्वाड्रेट बोन। ठीक है, तो प्लेटो क्वाड्रेट बोन या तो स्कल के साथ लूजली अटैच होगी या फिर वो एकदम फ्री होगी बगैर अटैचमेंट को। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्कोलिडोन डॉग फिश, स्टिगोस्टोमा टाइगर शार्क, जाइजीना स्फायरना हैमर हेडेड शार्क, साइलियम और लास्ट है हेप्टेंकस। हेप्टेंकस जो सात वाली होती है सेवन गिल्ड शार्क कहलाती है, जबकि इसमें होते कितने? फाइव गिल होते हैं, लेकिन ये सात गिल होते हैं और लेमनी फॉर्म इसमें पाई जाती रखा गया है, इसलिए इसे सेवन से सेवन गिल्ड शार्क कहते हैं, सात गिल वाली शार्क कहते हैं, जबकि इसमें गिल होने चाहिए लेमनी फॉर्म इसके अनुसार ऑर्डर के अनुसार इसमें फाइव गिल होने चाहिए, होते सेवन है, इसलिए हेप्टेंकस। हेप्टेंकस जो हेप्टा हेप्टा आ रहा है इसमें एच ई पी टी ए हेप्टा, हेप्टा मैंने सेवन के लिए आता है, इसलिए सेवन गिल्स होते हैं, इसलिए इसका नाम भी रख दिया है हेप्टेंकस। नेक्स्ट जो होता है सुपर ऑर्डर आता है इसमें वो हाइपोप्टेरा आता है, हाइपोट्रीमेटा। हाइपोट्रीमेटा जो होता है इसमें सुपर ऑर्डर, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है गिल स्लिट्स आर बेंटल, तो गिल स्लिट्स जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? बेंटली पाई जाती हैं, अर्थात ये डॉर्सी बेंटली चपटे होते हैं, इसलिए ये बेंटल साइड पे गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। दूसरा है बॉडी या हेड की साइड से, जो बॉडी या हेड की साइड से, मतलब जहाँ हेड होता है उसकी साइड से पेक्टोरल फिन को एंटीरियर मार्जिन फ्यूज रहती है। पेक्टोरल फिन की जो एंटीरियर मार्जिन है वो हेड से या बॉडी से फ्यूज रहेगी। ठीक है, तो पेक्टोरल फिन की जो एंटीरियर मार्जिन है, आगे वाला जो हिस्सा है पेक्टोरल फिन का, वो हेड से जॉइंट रहता है, मार्जिन से फ्यूज रहता है, तो इसे कहते हैं इसे फ्यूज रहता है। ठीक है, तीसरा जो है इसका हायोमैंडिबुलर में ब्रैंकियल रेस नहीं होती हैं, इसमें ब्रैंकियल रेस हायोमैंडिबुलर में नहीं पाई जाती हैं। चौथा है पेक्टोरल गर्डिस के दोनों हाफ्स या तो स्वयं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दोनों हाफ्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेफ्ट और राइट दो हाफ होते हैं पेक्टोरल गर्ड के, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, या फिर वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े रहते हैं, या फिर ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े रहेंगे, या फिर ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो ये हो गया हमारा, इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसके बाद आता है पहला ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर आता है टॉर्पिडिनी फॉर्मिस। दो ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर आता है टॉर्पिडिनी फॉर्मिस, सेकंड ऑर्डर है, पहला ऑर्डर तो दूसरा था, पहला ऑर्डर था राजी फॉर्मिस पहला ऑर्डर था और टॉर्पिडिनी फॉर्मिस दूसरा ऑर्डर था। तो चलो पहला ऑर्डर इसे दूसरा ऑर्डर है, राजी फॉर्मिस पहला ऑर्डर है, तो पहला ऑर्डर जो है राजी फॉर्मिस है। राजी फॉर्मिस में पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, किनके? हेड और पेक्टोरल फिन्स के मध्य में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं हेड और पेक्टोरल फिन्स के मध्य में। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है प्री ऑर्बिटल कार्टिलेज नॉट एनलार्ज, जो प्री ऑर्बिटल कार्टिलेज है प्री ऑर्बिटल कार्टिलेज जो बोन है वो बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइनोबेटस इसे स्केट कहते हैं, ट्राइगोन स्टिंगरे कहते हैं इसे, माइलियोबेटस इसे ईगल रे कहते हैं, और प्रिस्टिस इसे सॉर फिश कहते हैं, और राजा या राया राया इसके जो एग्जाम्पल, पांच एग्जाम्पल हैं राजी फॉर्म इसके। इसके बाद अब दूसरा देख लेते हैं, ये कैसा है, ये सेकंड ऑर्डर है में लिखवाया था हमने, सेकंड ऑर्डर टॉर्पिडिनी फॉर्मिस। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है हेड और पेक्टोरल फिन के मध्य इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाएंगे। प्री ऑर्बिटल कार्टिलेज बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें छोटे थे इसमें बड़े बड़े होते हैं प्री ऑर्बिटल कार्टिलेज। एग्जाम्पल क्या है? टॉर्पीडो है स्ट्रैपी, तो ये दोनों स्ट्रैपी और टॉर्पीडो, तो ये जो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक रे कहलाती हैं। इसके बाद आता है क्लास थर्ड आती है, अब क्लास दो क्लास निपटा दी हमने, अब की बात आती है क्लास थर्ड, नहीं क्लास सेकंड आती है, अभी तो एक ही क्लास निपटाई है इलास्मोब्रैंकी, अब आती है सेकंड क्लास आती है होलोसेफैली। होलोसेफैली का करेक्टरिस्टिक में देखिए,
कि इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या दिया हुआ है। पहला इसमें जो करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, प्लेटो क्वाड्रेट जो होती है वो न्यूरोक्रेनियम से जुड़े रहती हैं। प्लेटो क्वाड्रेट न्यूरोक्रेनियम से जुड़े रहती हैं। न्यूरोक्रेनियम क्रेनियम का ही भाग है, न्यूरोक्रेनियम, इससे प्लेटो क्वाड्रेट जुड़े रहते हैं। चार गैल्सलेट्स पाई जाती हैं और अपर कोलम भी पाया जाता है। चार गिल्ड से होती हैं जो अपर कोलम से ढके रहते हैं, अपर कोलम इसमें पाया जाता है। ब्रेन केस जो होता है, ब्रेन का जो पूरा केस होता है, ब्रेन केस के डोर्सल साइड पर, मतलब ऊपर वाले डोर्सल साइड पर एक इंटर ऑर्बिटल सेप्टम पाया जाता है। तो ब्रेन केस जो होता है उसके ऊपर वाली साइड में, डोर्सल वाली साइड में क्या पाया जाता है, इंटर ऑर्बिटल सेप्टम पाया जाता है। चौथा है क्लोइका एब्सेंट, क्लोइका इनमें नहीं पाया जाता है। क्लोइका क्या होता है, एलिमेंटिक कैनाल का एनस है उसी में खुलता है क्लोइका में, और ऐसी ओपनिंग होती है जिसके अंदर एलिमेंटिक कैनाल की ओपनिंग होती है, यूरिनरी डक्ट की ओपनिंग होती है, और गोनड गोनड की जो डक्ट होती है उनकी भी ओपनिंग वहीं होती है। तीनों की डक्ट की ओपनिंग एक ही जगह पर होती है, एक ही छेद द्वारा बाहर की तरफ खुलते हैं ये, उसे उस चीज़ को कहते हैं, उसे ओपनिंग कहते हैं क्लोइका। तो क्लोइका इसमें नहीं पाया जाता। पांचवा है पेल्विक गर्डे के दोनों हाफ फ्यूज्ड नहीं होते हैं। तो राइट हाफ जो है और लेफ्ट हाफ जो है पेल्विक गर्डे के, ये दो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। मेल में क्लास्पर पाया जाता है। क्लास्पर क्या है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो प्रजनन के समय काम में आता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन है, क्लास्पर मेल में पाया जाता है। सब क्लास चिमेरी, चिमेरी में देखिए पहला जो होता है नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट, मतलब नोटोकॉर्ड ये जीवन भर पाई जाती है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट। एंड और क्या होता है, बहुत सी आंशिक कैल्सीफाइड, कैल्शियम मतलब कैल्शियम से युक्त, आंशिक कैल्शियम से युक्त, आंशिक कैल्सीफाइड रिंग्स से सराउंडेड होती हैं। मतलब जो नोटोकॉर्ड है वो जीवन भर रहती है, इसे हम कह सकते हैं नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है। और ये नोटोकॉर्ड जो है चारों ओर से सराउंडेड रहती है, किससे, आंशिक रूप से कैल्सीफाइड रिंग से, ऐसी रिंग से जो आंशिक रूप से कैल्सीफाइड हैं उनसे सराउंडेड रहती है। इसके बाद आता है अगला करेक्टर ट्रू सेंट्रा नहीं पाया जाता है। इसके अंदर ट्रू सेंट्रा नहीं पाया जाता है। ट्रू सेंट्रा किसमें होता है, बर्टवी के अंदर जो सेंटर वाला भाग होता है ट्रू सेंटर, वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। पेक्टोरल फिन्स साधारण प्रकार की होती हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रकार के होते हैं, साधारण प्रकार के होते हैं। तो सब क्लास कौन सी हो गई, चिमेरी। तो इसमें होलोसिफेली में सब क्लास जो आ रही है वो एक ही सब क्लास आती है, चिमेरी। और चिमेरी का जो एक ऑर्डर होता है, एक ही ऑर्डर होता है, चिमेरी फॉर्मिस, जिसका एग्जाम्पल हमने बताया था चिमेरिया, चिमेरा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि सब क्लास जो होती है वो किमेरी होती है, और उसका ऑर्डर जो होता है किमेरी फॉर्मिस होता है, और एग्जांपल किमेरा, किमेरा होता है, ठीक है, किमेरा। इसके बाद आता है, इसके बाद आती है क्लास थर्ड, आती है डिप्नोई। अब दो क्लास रह गई हैं, डिप्नोई और टेलियोस्टोमी। डिप्नोई ले ले रहे हैं, डिप्नोई जो थर्ड क्लास है इसके करेक्टरिस्टिक देते हैं, प्लेटो कॉर्डेट न्यूरोक्रेनियम से दृढ़ता से फ्यूज रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लेटो कॉर्डेट जो हड्डी है, प्लेटो कॉर्डेट वो न्यूरोक्रेनियम से बहुत दृढ़ता के साथ फ्यूज रहती है। इस प्रकार की जो खोपड़ी होती है, स्कल होती है, हम उसे कहते हैं ऑटो स्टाइलिक स्कल। इस प्रकार की जो खोपड़ी क्या कहलाती है, ऑटो स्टाइलिक स्कल कहलाती है। सेकंड है स्कल जो होती है, स्कल होता है इसमें जॉ होता है और पेक्टोरल आर्चिस, ये तीनों, इन तीनों पर डर्मल बोन्स पाई जाती हैं। स्कल के ऊपर डर्मल पोर्स पाई जाती है, जॉ के ऊपर डर्मल पोर्स पाई जाती है, और पेक्टोरल आर्चिस के ऊपर डर्मल पोर्स पाई जाती है। सिंगल गिल्सलेट्स पाई जाती हैं इसमें, अकेली गिल्सलेट्स पाई जाती हैं, सिंगल गिल्सलेट पाई जाती हैं। साइक्लॉइड स्केल्स इसमें पाए जाते हैं, इंटरनल नेयर्स इसमें पाए जाते हैं, अपर कोलम इसमें पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर इसमें पाया जाता है, क्लोइका इसमें पाया जाता है, पेयर्ड फिन्स इसमें लोबेट होते हैं, लोबेट प्रकार के होते हैं पेयर्ड फिन, और अनपेयर्ड पेल्विक गर्डल पाई जाती है, अनपेयर्ड पेल्विक गर्डल इसमें पाई जाती है, पेयर्ड नहीं होती, अनपेयर्ड पेल्विक गर्डल इसमें पाई जाती है डिप्नोई में। इसके बाद आता है डिप्नोई में जो
कि एग्जाम्पल हो गए, वो हो गए करेक्टरिस्टिक्स। इसके सुपर ऑर्डर डिप्नोई का जो सुपर ऑर्डर है, एक ही सुपर ऑर्डर है सेरेटोडी, इसकी करेक्टरिस्टिक दे लेते हैं सेरेटोडी। सेरेटोडी में इसमें क्या गुल्लर प्लेट पाई जाती है। सेरेटोडी जो सुपर ऑर्डर है इसमें इस प्रकार के एनिमल्स गुलर प्लेट पाई जाती है। क्रेनियल रूप बोन बड़ी तथा कुछ होती हैं, कुछ मात्रा में होती हैं, कुछ संख्या में कुछ होती हैं, थोड़ी सी होती हैं और बड़ी बड़ी होती हैं क्रेनियल रूप बोन्स। कॉडल फिन्स जो होती है वो डाइफाई सर्कल होती है, तथा डॉर्सल फिन और एनल फिन के साथ मिला हुआ होता है। तो जो कॉडल फिन जो है वो डॉर्सल फिन और एनल फिन के साथ तो मिला हुआ होगा, ऊपर डॉर्सल फिन तक जुड़ा मिला हुआ होगा और नीचे एनल फिन तक मिला हुआ होगा वेंट्रल साइड पर। तो कॉडल फिन से लेकर एनल फिन तक ये एक दूसरे मिला हुआ होता है और होता कैसा है, डाइफाई सर्कल होता है। इसके बाद चौथा आता है पेल्विक गर्डल अनपेयर्ड होती है। पेल्विक गर्डल कैसी होती है, अनपेयर्ड होती है और अनऑसिफाइड होती है। अनऑसिफाइड मतलब जिसमें कैल्शियम ना हो, कैल्शियम कम हो, ठीक है। इसके बाद आता है इसका पहला ऑर्डर आता है, पहला ऑर्डर मतलब ऑर्डर कितने हैं, दो सेरेटोडी सुपर ऑर्डर सेरेटोडी के दो ऑर्डर्स को, दो ऑर्डर्स में बांटा गया है। एक ऑर्डर है सेरेटोडी फॉर्मिस, दूसरा ऑर्डर है लेपिडोसायरेनी फॉर्मिस। तो पहला ऑर्डर जो है उसका नाम है सेरेटोडी फॉर्मिस और इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें एंडोक्रेनियम जो होता है वो कार्टिलेजिनस का होना होता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस जो बोन होती है उसका एंडोक्रेनियम बना होता है और एक ही एयर ब्लैडर होता है, मतलब सिंगल एयर ब्लैडर इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, नियोसेरेटोडस और सेरेटोडस। दूसरा आता है ऑर्डर सेकेंड लेपिडोसायरेनी फॉर्मिस। इसमें एंडोक्रेनियम कैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है, बहुत ही पतला होता है, मेम्ब्रेनस होता है और पेयर्ड एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। एग्जाम्पल जो इसका है प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसायरेन, दो ऑर्डर दो एग्जाम्पल है प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसायरेन। इसके बाद आता है क्लास चौथी, अब आती है क्लास, लास्ट क्लास है टीलियोस्टोमी। टीलियोस्टोमी के एग्जाम बहुत करेक्टर देख लिए, इसमें पहला करेक्टरिस्टिक है एंडोस्केलेटन मोर और लेस बोनी होता है, या तो बहुत अधिक बोनी होगा या फिर कम बोनी होगा, ठीक है, होता बोनी है, मतलब एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी होता है लेकिन कम या ज़्यादा हो सकता है। स्कल कैसी होती है, हायोस्टाइलिक होता है। स्कल कैसी होती है, इसमें हायोस्टाइलिक होती है। हायोस्टाइलिक का मतलब क्या होता है कि प्लेटोकॉर्डेट जो बोन है वो एंडोक्रेनियम के साथ फ्यूज नहीं होती है। जब एंडोक्रेनियम के साथ प्लेटोकार्डेट बोन फ्यूज नहीं होती है तब उसे कहते हैं, इस प्रकार के स्कल को कहते हैं हायोस्टाइलिक, ठीक है। तीसरा है इसका सिंगल एक्सटर्नल गिल्सलेट पाया जाता है, एक अकेला गिल्सलेट होता है वो भी बाहर की तरफ एक्सटर्नल होता है। चौथा है इसका करेक्टरिस्टिक्स टर्मिनल माउथ पाया जाता है, इसमें माउथ के साथ टर्मिनल होता है। अपरकुलम इसमें पाया जाता है, एयर ब्लैडर इसमें पाया जाता है, क्लोइका और क्लासफर इसमें नहीं पाए जाते हैं, मेल में क्लास पर नहीं पाया जाता है, जो एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो इसके में नहीं पाया जाता। अब इसमें आते हैं दोनों, देखो दोनों हमने बता लिखा दिए एग्जाम क्या लिखा दिए, हमने टीलियोस्टोमाई के करेक्टरिस्टिक्स हो गए। टीलियोस्टोमाई करेक्टरिस्टिक के बाद इसकी सब क्लासेस हैं, दो सब क्लासेस हैं, पहली है क्रोसोप्टेरिजियाई और दूसरी है एंटीरोप्टेरिजियाई। तो पहली जो है क्रोसोप्टेरिजियाई, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें पेयर्ड फिन होते हैं, और पेयर्ड फिन पर स्केल्स पाए जाते हैं, और पेयर्ड फिन कैसे होते हैं, लोब्ड में रेडियल होते हैं, मतलब ये लोब्ड होते हैं, दो लोब होते हैं इस प्रकार के। पेयर्ड फिन जो लोब्ड में होते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं और इसमें रेडियल्स भी पाए जाते हैं, इनमें रेडियल्स पाए जाते हैं, जैसे ये फिन है, फिन में ये रेडियल्स पाए जाते हैं, ये रेडियल्स इसमें पाए जाते हैं। इंटरनल नियर्स प्रेजेंट, इंटरनल से मतलब अंतः नासा छिद्र, जो अंदर की तरफ नास मुंह के अंदर नासा छिद्र दिखाई देते हैं, इंटरनल नियर्स कहलाते हैं, इंटरनल नियर्स इसमें पाए जाते हैं। स्क्वामोसल बोन पाई जाती है इसमें,
जो खोपड़ी में इसका मोचल बोन होती है वो इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल है लैटमेरिया और दूसरा एग्जाम्पल है सीलाकैंथस। तो लैटिमेरिया और सीलाकैंथस दोनों क्या हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए एक्सटिंक्ट एग्जाम्पल हैं, ये फॉसिल हो चुके हैं। इसके बाद आती है सब क्लास सेकंड एक्टिनोप्टेरिजियाई। एक्टिनोप्टेरिजियाई में कितने ऑर्डर हैं, 18 ऑर्डर हैं। अंतिम 18वां जो ऑर्डर है वो लॉफी फॉर्मिस हैगा। ठीक है, 18 ऑर्डर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब तक हम इसके एक्टिनोप्टेरिजियाई के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला है करेक्टरिस्टिक्स इसका, पहला करेक्टरिस्टिक है पेयर्ड फिन के रेडियल्स क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो इसमें जो पेयर्ड फिन होते हैं उनमें रेडियल्स पाए जाते हैं, वो क्रम अनुसार व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अगर इस तरह का है फिन, तो इसमें जो छोटे वाले आगे फिर पीछे की तरफ बढ़े, ये क्रम अनुसार व्यवस्थित है, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। बल्कि कैसे होता है इसमें, ऐसा हो सकता है किसी भी प्रकार का ऐसा फिन जो होता है वो किस प्रकार का होगा, ऐसे करके होगा। तो जिसकी वजह से क्या, पहले बड़े आ गए फिर छोटे आ गए फिर बड़े आ गए फिर छोटे, क्रम अनुसार इसमें व्यवस्थित नहीं होती हैं रेडियल्स। पेयर्ड फिन में इंटरनल नियर्स नहीं पाई जाती है, इसका मोजल बोन नहीं पाई जाती है, जबकि उस वाले में इसका मोजल बोन और इंटरनल नियर्स पाए जा रहे थे, इसमें इंटरनल नियर्स और इसका मोजल बोन्स नहीं पाई जाती है। तो इसमें एक्टिनोप्टेरियाई में पहला ऑर्डर इसका जो आता है वो है पॉलिप टेरिफॉर्मिस। पॉलिप टेरिफॉर्मिस जो होता है पहला ऑर्डर है, और इसमें जो इस करेक्टरिस्टिक्स हैं टिपिकल रोम्बोइक रैम्बिक, पहला टिपिकल रोम्बिक गोनोइड स्कल स्केल से जो होते हैं वो स्किन पर पाए जाते हैं। तो इसके स्किन पर क्या क्या पाए जाते हैं, गोनोइड स्केल पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, रोम्बिक स्ट्रक्चर रोम्बिक आकार के होते हैं। अब आप रोम्बिक याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, पेपर में दिखाना है कि गोनोइड इसके पर पाए जाते हैं। दूसरा है डॉर्सल फिन में मैनी फिनलेट्स पाए जाते हैं। डॉर्सल फिन में बहुत सारे फिनलेट्स होते हैं, मतलब इस तरह से ये डॉर्सल फिन, ये फिनलेट हैं। तो ये डॉर्सल फिन में मैनी बहुत सारे फिनलेट्स पाए जाते हैं। तीसरा है पेक्टोरल फिन में स्मॉल छोटे से प्रोमिनेंट बेस पाया जाता है। तो पेक्टोरल फिन में जो बेस होता है इसका, पेक्टोरल फिन का जो बेस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, मजबूत होता है, और लेकिन छोटा सा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एयर ब्लैडर बाइलोब्ड होता है। एयर ब्लैडर कैसा होगा, इसमें बाइलोब्ड एयर ब्लैडर पाया जाता है, और इंटेस्टाइन में बेंटली खुलता है। बाइलोब्ड होता है और इंटेस्टाइन में ये बेंटली खुलता है। एग्जाम्पल इसका है पॉलिप्टेरस। पॉलिप्टेरस जो फिश है वो इसमें इसके अंतर्गत पॉलिप्टेरी फॉर्म इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम एक्टिनोप्टेरिजियाई जो सब क्लास है इसके चार 18 18 जो ऑर्डर्स हैं अब हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। फिलहाल यहाँ तक हम क्लासिफिकेशन अपलोड कर देते हैं आज। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, और पहली बार चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।